नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। हमारे साथ जेएमएम के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे हैं। सर, आज लोबिन हेमब्रम भी बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। थाम सकते हैं, व्यक्तिगत निर्णय लिए हैं, जो उनको उचित लगा होगा वैसा कर रहे हैं। ये तो राजनीति में होता रहता है, कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोग आते हैं, पुराने लोग नए लोग, तो वो सब एक सामान्य प्रक्रिया है। ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है और उनके जाने से पार्टी की सेहत पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। चंपई सोरेन ने भी पूर्व में इल्ज़ाम लगाया था कि अब जेएमएम में जो है जो पुराने नेता हैं उनको कहीं ना कहीं अनदेखा किया जा रहा है। ये भी उनकी व्यक्तिगत प्रक्रिया है। मुझे लगता है बहुत सारे पुराने लोग भी आज अपने आप को एक परिवार की तरह इस पार्टी को मानते हैं, मजबूती के साथ पार्टी के साथ हैं। एक आदमी अगर दिग्भ्रमित हो जाए, और मुझे अफसोस होता है, तकलीफ होती है, दुख होता है ये बोलते हुए कि चंपई दास तरीके लोग भी दिग्भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन उनको एक न एक दिन पछतावा उनको भी होगा कि उनका ये निर्णय गलत था, आत्मघाती था। जिस प्रकार से पहले चंपई सोरेन अब लोबिन हेमब्रम, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ हैं पार्टी में? नहीं, मैंने बताया ये एक सामान्य प्रक्रिया है। चुनाव के वक्त हर दल में कुछ लोग इधर उधर होते हैं। हम लोगों को थोड़ी तकलीफ होती है कि अपने लोग पुराने लोग चले जाते हैं, तकलीफ होती है। और सभी ये दोनों अभिभावक के समान पार्टी में इन्होंने इनका योगदान रहा है, लेकिन फिर भी ये हर दल में होता है, ये सामान्य प्रक्रिया मैं मानता हूँ। और बाकी तो जनता जनार्दन है, जनता तय करती है कि किसका निर्णय सही है, किसका गलत। स्टीफन मरांडी ने भी बयान दिया था कि अब पहले की अपेक्षा अब जो है जेएमएम में जो वरिष्ठ नेता हैं उनको भी अनदेखा किया जाता। नहीं, उन्होंने बयान का खंडन किया है। जहां तक मुझे जानकारी है, उनका बोलने का मकसद वो नहीं था। बोलने के क्रम में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसका अर्थ कुछ दूसरा होता है, अर्थ कुछ लोग दूसरा लगा लेते हैं। वो एक प्रतिबद्ध सिपाही हैं, इस पार्टी के गार्जियन हैं, उनके दिशा निर्देश पर ही हेमंत सोरेन सरीखे नेता भी उनसे परामर्श लेते हैं, और उनका एक अलग स्थान है पार्टी में। उन्होंने अपने वक्तव्य का खंडन भी किया है कि मेरा वैसा कोई मकसद नहीं था बोलने का। अब किसी बात को किस तरह से लेते हैं लोग, वो अलग बात है। तो ये थे हमारे साथ मनोज पांडे। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये सामान्य प्रक्रिया है, पार्टी में किसी का आना जाना ये सामान्य प्रक्रिया है, इस पर कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज लोबिन हेमब्रम जो है वो बीजेपी का दामन थामेंगे। इससे पूर्व में चंपई सोरेन ने भी बीजेपी का दामन थामा है और उन्होंने खुले मंच से कहा है कि आदिवासी और तमाम जो ऐसे जो जाति हैं उनको हम बेहतर तरीके से कोशिश करेंगे उसको लेकर के आगे चलने का, और आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें बेहतर परफॉर्म करने का। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी विकास को दीजिए इजाजत। देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। धन्यवाद।